देखो ये हमारी लॉगट के बाहर डियर, अभी हम जा रहे हैं अपने रास्ते में। जबकि तो यार ये ढिकाला का कैंपस है और सब भाग रहे हैं क्योंकि कैंपस से टाइगर दिख रहा है। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ एकदम सही हूँ। तो जैसे कि हम आए थे ढिकाला जिम कॉर्बेट में सफारी करने के लिए, और ऑलरेडी हमने आपको सफारी दिखाई है जिसमें हमारी सेटिंग बहुत अमेजिंग रही, पेड़ वाली, साथ में बच्चे हमें देखने का मौका मिला। और आज हमारा स्टे है ढिकाला FRH में। तो यहाँ पर नाइट क्या होती है, कैसी होती है, क्या यहाँ पे मूवमेंट होता है, क्यों कहते हैं ढिकाला इज़ बेस्ट, वो आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पूरा एक्सप्लोर करेंगे ढिकाला FRH। तो यार ये ढिकाला का कैंपस है और सब भाग रहे हैं क्योंकि कैंपस से टाइगर दिख रहा है। पूरा बीच में खड़ा रहा थोड़ी देर, 5 मिनट बीच में चला, खड़ा था रोड पे अभी, हाँ 5 मिनट तक था, 5 मिनट था। अरे यहाँ था टाइगर, पूरी भीड़ आ गई टाइगर। चलो यहाँ कॉल हो रही है, ढिकाला FRH करंट में कॉल हो रही है यहाँ पे। वहाँ वाले कर रहे कॉल, ओ बुरा बुरा बुरा, वो डियर है, डियर है, डियर अगर छलांग मार देना उसने यही से क्रॉस कर लिए, एक तो क्रॉस हो गया, मुझे लग रहा है एक क्रॉस हो गया हाँ डियर यहाँ से आ गए, उधर भी कॉल हो रही है ना, उस तरफ भी है कॉल, यहाँ से क्रॉस किया जो पेड़ है ना, पेड़ से मतलब हमें नहीं देखा उससे पहले हो गया था, पेड़ से पहले हेड ऑन आया है आपको देखा, उसके पास हाँ रुका रुका वहाँ पर उस साइड को बता रहे हैं, उधर को एक टाइगर उधर वो डियर है, डियर एक इधर को गया ना, और ढिकाला में देखिए इन हाउस कैंपस से भी लोग एक्साइटेड होके टाइगर की साइटिंग भी कर लेते हैं कई बार, और आज भी ऐसा ही कुछ लोगों को टाइगर की साइटिंग हुई है। किसको दिखा, किसी को दिखा इनमें से, आप में से ये वाला, ये अभी किसी ने देखा क्या आपने सब उठाएगा, यू रिकॉर्डेड रिकॉर्ड, अच्छा 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 ओके ओके, हम अपने कैमरा फोन सब छोड़ के आए तो अभी मैम लोगों ने देखा था लेकिन कैम ओके ओके
हाँ कॉल को फॉलो करी तो मैम आपको देखने को मिला टाइगर? हाँ, दो तीन कब्स भी मिले उसके साथ में छोटे छोटे. सो वेरी एक्साइटिंग. सो दिस इज द फर्स्ट सफारी ऑफ टुडे. यस. ओके. एलिफेंट भी देखा हमने, क्रोकोडाइल भी देखे. तो अभी आपका और कितनी सफारी है, कितने नाइट स्टेज है? टुमारो अगेन. ओके. अच्छा वहाँ फेंसिंग में तो उधर पे किल किया था कुछ टाइम पहले जो टाइगर ने अटैक किया था. तो अभी मतलब यह है कि पूरी रात में यहाँ पे मूवमेंट बनी रहेगी और हम कोशिश करेंगे जो कॉल वगैरह सुन के आइडिया लगाएंगे कहाँ पे उसकी मूवमेंट है. डियर वहाँ पे अभी भी अलर्ट्स में है. तो ये फेंसिंग है. अच्छा लोकल भारत मोटर्स. ये है ओल्ड FRH गेस्ट हाउस जो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 से 45 के बीच में. इसी रोड के पास कहीं होगा यार, ये रोड गई ना ऐसे करके. हाँ हाँ, इसमें पेड़ जो दिख रहे हैं. तो ये पूरा ग्रासलैंड का एरिया है. तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है यहाँ का, ट्रांसफार्मर वगैरह. और उधर साइड में इस बिल्डिंग में जेनसेट वगैरह की सुविधा है. अगर रात को लाइट जाती है तो जो गेस्ट हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. सब चीज़ देखी गई है, बस थोड़ा सा इशू आपको ये हो सकता है मोबाइल नेटवर्क का. कॉल तो आप कर पाएंगे लेकिन एक जगह पे हर टाइम. लेकिन अगर आप सोचे कि कॉल या ऑफिस का काम हो जाएगा वो शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा. तीन लड़के बाहर थे उस टाइम पे और रामू जी के उस साइड वहाँ पे एक पेड़ है और अभी भी ये उस साइड को ही जा रहे हैं. इनने अपनी जगह मतलब ज्यादा घूम से आए हैं. तो जी ये बात है ढिकाला FRH. आज सब खुश है. तो बाकी ये यहाँ की कैंटीन है. अगर आपको चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करना है तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा. और रूम का हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में. तो वहाँ पे सर और मैडम है. और बाकी अब हम आपको लेके चलने वाले हैं जहाँ हमने अपना स्टे लिया है. हालांकि हम रूम भी ले सकते थे लेकिन हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो अपने आप में एक अलग अनुभव भी कहेंगे और काफ़ी लोगों से मिलने को भी मिलेगा. तो इसलिए हम आपको लेके चल रहे हैं लॉग हट की तरफ. तो ये है लॉग हट ढिकाला FRH का और एकदम प्राइम लोकेशन में. यहाँ टॉयलेट जाने के लिए भी आपको बाहर से जाना पड़ेगा और वहाँ आपको कई सारी चीज़ें एनिमल रात को देखने को मिल सकती है. है खतरी जी, ये देखो ये हमारे लॉग हट के बाहर डियर. अभी हम जा रहे हैं अपने रास्ते में जबकि ये हमारा रूम में जाने का है. हाँ अभी कैंपस के अंदर आ गए हैं. हाँ कैंपस के तो अंदर सेफ हो चुके हैं. सेफ हो गए हैं, इन्हें टाइगर से कोई खतरा नहीं है. हाँ। क्योंकि बाहर तो पूरा करंट रहता है ना. हाँ टाइगर नहीं आता, इस वजह से जो है अंधेरे के बाद जो है कैंपस में आ जाते हैं कैंपस टाइगर से बचने के लिए. हाँ यहाँ पर सेफ रहते हैं बहुत चालाक, मतलब काफ़ी माइंड इनका भी डेवलप हो गया. हाँ लाइट वाइट वाली जगह पे जहाँ लोग भाग गए वहीं आते हैं. बाकी देखिए लॉग हट
तो जी ये है लॉगहट यानी कि डोरमेट्री विश्राम गृह ढिकाला का। और यहाँ पे ऐसे करके ये देखिए सब अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं और हम भी आज यहीं स्टे करने वाले हैं। बैठा है ये मेरा है और ये मेरे साथी दीपांकर जी का बेड है नीचे, तो हमारा ये सही रहा कि हमें दोनों बेड नीचे के मिल गए। हाँ क्यों ये भैया लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, सबका जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइम। हाँ, और वो भी ढिकाला स्टे और भाई लोगों की फर्स्ट डे ऐसी बम्पर सफारी हुई है। तो तीनों कप्स देखे हैं, एक बार दिखाओ आप अपने उस साइड। तो हम तो उस साइड पे दे लेकिन ये देखिए तो यहाँ आने आते हुए लोगों की जिंदगी बीत जाती है लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिलती है। लेकिन भैया लोग कहाँ से आए आप लोग? तो लखनऊ से आए और इनका लक देखिए। हाँ टोटली यार लक पे ही रहते हैं। रोड पे ये देखिए लेपर्ड, लेपर्ड देखा देखिए लेटे हैं ऊपर। गजब गजब। चलो बहुत बढ़िया रहा फिर भैया आप लोगों का। तो जी अभी यहाँ नाइट को हम अपने रूम के बाहर जस्ट देखते हैं क्या वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो अभी दो जैकल को तो मैंने जाते हुए देखा। ये देखो ये जैकल भागते हुए गए अभी हमारे जस्ट लॉगहट के बाहर से। और अभी कंटिन्यू अलार्म कॉल भी आ रही थी स्पॉटेड डियर की। तो एक डेढ़ तो ये देखो कैंपस के अंदर। तो जो टाइगर ने अटैक किया था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है लेकिन उसके साथ के दो टाइगर अभी भी रडार में है फॉरेस्ट डिवीज़न के। और एक जो उसका भाई है उसको जहाँ तक है रेस्क्यू किया जा सकता है लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी वो आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा घूम रहा है। और इसी वजह से जो ग्रासलैंड का एरिया है अभी भी टूरिस्ट के लिए फॉर सफारी व्हीकल अभी भी बंद है वो, और वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि रिस्क है। यहाँ टूरिस्ट आता है, पर्यटक आता है और डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि कुछ अनहोनी हो क्योंकि आपको भी पता है कि टाइगर का जो नेचर है अनप्रिडिक्टेबल है। और अभी भी यहाँ आसपास रह रहे तो कहीं ना कहीं सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी डियर है आसपास, तो ये अपने को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे आवासी यानी कि FRS की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डियर हैं भाई। तो जी नाइट का एक ब्लॉक ढिकाला FRH
और बाकी सारी गाड़ियाँ ऐसे करके पैक हो जाती है, और जो उसके साइड में फेंसिंग है इसमें कंटिन्यू करंट दौड़ता है, तो अलग ही फेंसिंग के जस्ट पार होते ही पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और टाइगर की मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। कल रात को भी रोर हुई थी टाइगर की, क्या पता आज भी अगर सुनने को मिले तो आपको कोशिश करेंगे सुनाने की। बाकी यहाँ की कैंटीन है और रात को आपको यहीं आके खाना पड़ेगा, जिसका चार्जेस है 500। और ये वाले एरिया को बोलते हैं डेक, तो इसके साइड में रामगंगा रिवर है। तो ये एरिया डेक का, तो हम लोगों का भी खाना हो गया है, तो अभी रात के टाइम में घूमना अलाउड नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव है आज के डेट में। बाकी जो ये कैंटीन है KMVN की तरफ से, सर आपका शुभ नाम? संजय बोरा। तो अभी जस्ट खाना हो गया है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है और बाकी ये रेट लिस्ट है पर हेड। तो ठंडे का भी टाइम है और यहाँ पे लोग भी घूमना बंद कर देते हैं आजकल, लेकिन गर्मी के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा चहल पहल दिखेगी, काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। लेकिन अभी विंटर भी है और ऊपर से टाइगर का थोड़ा सा अलर्ट भी है, क्योंकि रिसेंटली जैसे कि आपको पता है कि गेट खोलने से पहले नवंबर में अटैक किया था फर्स्ट, और उसके बाद एक अटैक और किया 25th को। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट हो गया था, लेकिन एक टाइगर को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया था जिसने कि अटैक किया था। तो ये है मेन गेट और यहाँ पे सब जगह फेंसिंग है। और हमारा लोघाट जो है वो सबसे प्राइम लोकेशन में है फेंसिंग के जस्ट पास, तो वहाँ हम चलते हैं। हालांकि अकेले घूमना भी अपने आप में सेफ नहीं है, तो मैं आपको ये एरिया जहाँ पे एक्सेस है, क्योंकि ये वॉशरूम है, वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। और ये है लोघाट, फिर जा रहे हैं जयकॉल। हम अपने रूम के जस्ट बाहर बैठे हैं और यहीं से वाइल्ड लाइफ देखेंगे अच्छे से। अच्छा, एडिटिंग भी आप कुछ से करते हैं? हाँ जी, ये अब डियर आने लग के बाहर की तरफ।
सारी वाइल्ड लाइफ रूम के बाहर बैठ के। अभी इनको पता है कि हम अकेले हैं, इसने हमें फील नहीं करा है। अंदर कुछ लोग सो गए, उनके खर्राटों की भी आवाज आ रही है भाई। देखिए वहाँ पे एक डियर आ गया है जो कि मेन रास्ता है कैंटीन का। इस टाइम में इंसान तो नहीं है लेकिन जानवर दिख रहा है। ये एक्सपीरियंस लॉकर्ट में रुकने का।
तो यार ये यहाँ, तो ये यहाँ का वॉशरूम है और बाकी जस्ट यहाँ से लगा हुआ वायर फेंसिंग।